हेलो बच्चों, हैमलेट की वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीए का, एमए का, और ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फर्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ द हैमलेट, देन स्टोरी ऑफ द हैमलेट डीपली। ठीक है, बिल्कुल डीप में करूँगी, शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं, ताकि आपका कोई भी पार्ट छूट ना जाए। क्योंकि मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करती हूँ, अपनी सारे नॉवेल्स एक्सप्लेनेशन हो या पोएम्स की एक्सप्लेनेशन हो, एंड फाइनली मैं आपको इसका थीम्स भी एक्सप्लेन करूँगी। बिकॉज एग्जाम में जो आप एक्सप्लेन करते हो, मोस्टली थीम्स को एक्सप्लेन करना होता है। सो हाउ कैन यू डू इट इन योर एग्जाम, हाउ यू कैन मेक योर ओन वर्ड्स रिलेटेड टू दिस हैमलेट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। और पहले ही बता दूँ, वीडियो ज़रूर टाइम टेकन होगा, लंबा बन सकता है मेरा वीडियो, बट आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, क्योंकि तो मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई भी एक ऐसा पार्ट मैं नहीं छोड़ती हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने आपको कुछ कैरेक्टर्स बताए और थोड़ा ऊपर का स्टोरी बताया, बीच का और एंड का, और मैंने स्टोरी ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं है, आपको एक एक पार्ट बताऊंगी, जगह का नाम तक बताऊंगी। ठीक है, वो सीन किस जगह पे चल रहा है, वहाँ कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोगों के बीच वो बात हो रही है, कैरेक्टर्स के रिएक्शंस क्या क्या आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपनी स्टोरी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको करती हूँ। बट फिर भी अगर आपको अपना टाइम बचाना है, तो आप जा कर के शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपका कम टाइम लेंगे। अगर ठीक, अगर आपको उसमें कंफर्टेबल लगता है, आप वहाँ जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, आई डोंट वरी। बट आप रियली में हैमलेट से रिलेटेड अपने एग्जाम में एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करें। और एक चीज़ भी मैं आपको और बताना चाहती हूँ, अब तक की मैंने जितनी भी नॉवल्स रीड करी हैं, या प्ले रीड करे हैं, पोएम्स रीड करी हैं, उन सब में मिला जुला के सबका बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट रह चुकी हूँ। उन सभी स्टोरीज में सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, सबसे इंटरेस्टिंग प्ले मुझे हैमलेट लगा है, विलियम शेक्सपियर का। इसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है ना, जब आप इसे पढ़ना शुरू करते हो, तो आपको इसमें इतना इंटरेस्ट आता है, और ये बहुत इजी है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसका लैंग्वेज भी इजी है, हो सकता है कुछ बच्चों को इसका लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट लगे, क्योंकि नॉवेल्स की लैंग्वेज, क्योंकि नॉवेल या प्ले की जो लैंग्वेज है थोड़ी टिपिकल होती है, समझ में नहीं आते हैं, बीच बीच में से कैरेक्टर्स भी कुछ कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन ये हैमलेट इतना कंफ्यूजिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न होगी, तो मेरी वीडियो देखने के बाद वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, बिकॉज कैरेक्टर्स क्या हैं, आपके प्ले की जान है, आपकी नोवेल की जान है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स आपको सबसे पहले पता होने चाहिए। इससे क्या होता है, एक स्टोरी का बेस हमारे माइंड में बन जाता है पहले से ही, जिससे कि हमें स्टोरी समझने में आसानी होती है। सो लेट्स बिगिन। बच्चों, हो सकता है मेरी आवाज़ आपको कम सुनाई दे, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक लाउड, बिकॉज मेरा गला जो है ठीक नहीं है। जब से मैंने कोविड का फर्स्ट डोज लिया है, मेरे गले को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। ठीक है, वो सारी कंडीशन मैं आपको भी इस वीडियो में नहीं बता सकती, मेरा एक व्लॉग चैनल है, वहाँ आप देख सकते हो। तो खैर, अभी मेरा गला ठीक नहीं है, बहुत दर्द है, फिर भी मैं आपको पूरी स्टोरी अच्छी आवाज़ में समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, और अपने फ़ोन का वॉल्यूम भी लाउड कर लेना, और हॉरिजॉन्टली ज़रूर टर्न करना इस वीडियो को। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली, पता है ना आपको, इस तरह से देखना है आपको। तो चलिए, कैरेक्टर्स देखते हैं। बच्चों, हैमलेट की स्टोरी में आपको दो हैमलेट देखने को मिलेंगे, एक है किंग हैमलेट और एक और हैमलेट है, वो कौन वो मैं अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले किंग हैमलेट देखो। ठीक है, तो पहली कन्फ्यूज़न आपकी यहीं दूर हो जानी चाहिए कि इसमें दो हैमलेट हैं, एक कौन सा है, राजा। ठीक है, तो ये किंग हैमलेट स्टोरी में क्या बना है, ये घोस्ट बना है, घोस्ट, घोस्ट यानी कि भूत, ये बना है भूत। और ये कैसा रोल है इसका, ही इज अ डैड किंग ऑफ डेनमार्क। हमारी ये जो हैमलेट स्टोरी है, ये डेनमार्क में प्लेस हुई है, डेनमार्क इसका लोकेशन है। तो ये डेनमार्क का राजा था जिसकी हत्या हो गई थी, यानी कि मर्डर हुआ था इसका, और मरने के बाद ये भूत बन गया था। ठीक है, और भूत बनने के बाद ये अपने ही महल के किलों में घूमता था, जैसे कि आज भी इंडिया में काफ़ी सारे किले हैं जहाँ जहाँ
यहाँ पे आज भी पुराने लोगों की आत्माएं घूमती हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से ये था, ये भूत बन के अपने ही राज्य के महल में घूमता था। नेक्स्ट है क्वीन गर्ट्रूड, ये कौन थी? ये थी इसकी वाइफ, किंग हैमलेट की ये कौन थी? वाइफ, यानी कि ये था हस्बैंड और ये क्या थी? वाइफ। लेकिन मैंने यहाँ लिखा है वाइफ ऑफ किंग हैमलेट एंड क्लॉडियस, यानी कि ये दो लोगों की वाइफ थी। जी हाँ, ये दो लोगों की पत्नी तो थी लेकिन एक साथ नहीं। पहले ये वाइफ थी किंग हैमलेट की, यानी कि इस मरे हुए राजा की, जो कि अब भूत बन चुका है। और जब ये मर गया, यानी कि ये विधवा हो गई, शी बिकम विडो, विधवा हो गई। और विधवा होने के बाद फिर इसने हैमलेट के छोटे भाई से शादी कर ली, जिसका नाम था क्लॉडियस, ठीक है। तो इस तरह से पहले ये किंग हैमलेट की पत्नी बनी और फिर उसके मर जाने के बाद ये क्लॉडियस की पत्नी बन गई। इसलिए ये क्या है? क्वीन गर्ट्रूड, ये रानी बनी रही। क्लॉडियस, क्लॉडियस अभी मैंने बताया था कौन है, ब्रदर ऑफ डैड हैमलेट। ये जो मरा हुआ हैमलेट है, ये जो भूत बन चुका है, ये इसका छोटा भाई है, ओके। इसने क्या किया था, अपने बड़े भाई के मरने के बाद, यानी कि किंग हैमलेट के मरने के बाद, जो राजपाट था डेनमार्क का, जो भी शासन था, वो सारा इसने अपने कब्जे में ले लिया था। और अब डेनमार्क पर कौन रूल कर रहा था? क्लॉडियस, राजा बनकर। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ही इज़ अ ब्रदर ऑफ डाइड हैमलेट एंड नाउ, यहाँ मैं रब कर रही हूँ, एंड नाउ ही इज किंग ऑफ डेनमार्क, ठीक है। अपने बड़े भाई के मरने के बाद ये राजा बना। आगे कैरेक्टर्स देखते हैं। अब देखो बच्चों, फोर्थ कैरेक्टर हमारा प्रिंस हैमलेट। मैंने आपको बताया था इस स्टोरी में आपको दो हैमलेट पढ़ने को मिलेंगे, एक था किंग हैमलेट डेनमार्क का राजा, और एक है प्रिंस हैमलेट, यानी कि ये उसका बेटा है। तो ये क्या हुआ? डेनमार्क का राजकुमार, ठीक है। जैसे एक राजा रानी और उसका बेटा यानी कि राजकुमार होता है या राजकुमारी होती है, वैसे ही ये क्या था? बेटा किंग हैमलेट का और क्वीन गर्ट्रूड का, इन दोनों का बेटा था ये। तो इसका नाम भी हैमलेट के नाम पे ही रखा गया था। तो आपको पता होना चाहिए इस स्टोरी में एक हैमलेट है किंग हैमलेट, जो कि मर चुका है और भूत बनकर अपने महल में घूम रहा है, ठीक है। और एक है प्रिंस हैमलेट, जो कि इसका बेटा है, राजकुमार है डेनमार्क का, ओके। हमारे इस हैमलेट की स्टोरी में किंग हैमलेट का बहुत छोटा रोल है, बहुत माइनर रोल है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पूरी स्टोरी इसी के रोल से स्टार्ट होती है, ओके। समरी में बताऊंगी आपको। और प्रिंस हैमलेट हमारे नोवेल का हीरो है, क्योंकि सारी स्टोरी इसी के एक्शन पर बेस है। और जो मैंने आपको थर्ड बताया था पीछे, क्लॉडियस, वो कौन है? वो हमारी स्टोरी का विलन है। अपनी नोटबुक में लिख लेना साथ के साथ, ठीक है। नोटबुक आप लेके बैठे हो तो अच्छी बात है, नहीं बैठे हो तो लेके बैठो। क्लॉडियस कौन है? विलन है। आगे देखो, रोजेनक्रेंच्ड और गिल्डेनस्टर्न, इन दोनों के नाम बहुत लंबे हैं और प्रोनाउंसिएशन भी बहुत डिफिकल्ट है। तो ये दोनों कौन है? फ्रेंड्स ऑफ प्रिंस हैमलेट। ये जो राजकुमार है, प्रिंस हैमलेट है, ये दोनों इसके फ्रेंड्स हैं, ओके। मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स बताऊंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर से ही क्वेश्चन उठ कर आता है। तो जितने भी माइनर कैरेक्टर्स होंगे वो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो आगे के कुछ और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं, फिर हम फटाफट से अपनी स्टोरी पे आने वाले हैं। सो डोंट थिंक अबाउट टू गो एनीवेयर। आगे देखिए बच्चों, पोलोनियस। पोलोनियस कौन है? लॉर्ड चैम्बरलेन। लॉर्ड चैम्बरलेन का मतलब होता है, ये एक बिग ऑफिसर है, ठीक है, ए बिग ऑफिसर। किस टाइप का ऑफिसर है ये? जैसे कोर्ट में एक बड़ा ऑफिसर होता है ना, जो जजमेंट करता है, ठीक है, उसी टाइप का ये कोई ऑफिसर है। जैसे पुराने राजा महाराजाओं के इतने सारे मंत्री होते थे जो उन्हें सलाह देने का काम करते थे, तो उसी टाइप से ये एक बिग ऑफिसर है। यानी कि जो किंग हैमलेट का महल था, वहाँ एक कोर्ट हुआ करती होगी, उस कोर्ट का ये एक बड़ा ऑफिसर था, बिग ऑफिसर ऑफ डेनमार्क कोर्ट, ओके। ओफेलियन, ओफेलियन कौन थी?
ये इसकी बेटी है पोलोनियस की, डॉटर ऑफ पोलोनियस। साथ में ही ये क्या है, प्रेमिका किसकी, प्रिंस हैमलेट की। वो जो मैंने आपको बताया था प्रिंस हैमलेट राजकुमार है डेनमार्क का, ये उसकी कौन है, प्रेमिका है। और इन दोनों के लव अफेयर के जो चर्चे हैं ना, वो पूरे राज्य में फैले हुए हैं। सबको पता है ये एक दूसरे से क्या प्यार करते हैं। आगे देखो लर्ट्स, ये लर्टस कौन है, ये है पोलोनियस का बेटा। यानी कि ये क्या है, ये है बाप, ये है इसकी बेटी और ये है इसका बेटा पोलोनियस का। ठीक है, तो ये है पोलोनियस की फैमिली। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टोरी में। अब आके दो तीन कैरेक्टर और देख लेते हैं, वो फाइनल है, इसके बाद मैं आपको स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। ये देखो बच्चों, 14 ब्रास। 14 ब्रास कौन है, नॉर्वेजियन प्रिंस। यहाँ पे प्रिंस का मतलब उसका नाम नहीं है, वो राजकुमार है। नाम क्या है, 14 ब्रास। ठीक है, तो ये नॉर्वेजियन का राजकुमार है जो कई बार डेनमार्क पे आक्रमण करता रहता है कब्जा जमाने के लिए। ओके, तो नॉर्वेजियन ये एक अदर स्टेट है, जैसे इंडिया का पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये नेबरहुड कंट्रीज हैं। वैसे ही डेनमार्क पे या कब्जा जमाने के लिए आक्रमण करता रहता है, और कहाँ से रिलेट करता है, नॉर्वेजियन से। ऑसरिक, ऑसरिक कौन है, ये सिर्फ एक दरबारी है, इसका एक छोटा सा रोल है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। ठीक है, होराशियो, होराशियो कौन है, ये स्कॉलर है। ठीक है, जो वहाँ का राजपाट है ना डेनमार्क का, जो वहाँ का किला है, वहाँ पे ये एक स्कॉलर है, यानी कि एक विद्वान है। और आप इसे फ्रेंड ऑफ प्रिंस हैमलेट भी कह सकते हो। ठीक है, वैसे आप इसे स्कॉलर कहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी महल में रहते रहते इसकी दोस्ती राजकुमार से भी हो ही जाती है। तो बच्चों कैरेक्टर्स खत्म हो गए, अब फटाफट से अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूर एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है स्टोरी में। क्योंकि इस स्टोरी में, ये स्टोरी शुरू होती है एक भूत से, लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स मैंने अभी आपको यहाँ लिखवाए हैं, वो सारे के सारे मारे जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप ये मत सोचने लग जाना ये कोई सीरियल किलर का काम है, सीरियल किलर जैसे स्टोरी है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। सब एक एक करके मरेंगे, और कैसे कैसे मरेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों कैरेक्टर्स में मैंने आपको बताया था, ये जो स्टोरी है ये कहाँ लोकेटेड है, डेनमार्क में। ठीक है, डेनमार्क एक कंट्री है जहाँ पे ये स्टोरी की लोकेशन है। और डेनमार्क में एक कासल है, क्या नाम है उस कासल का, एल्जिनोर कासल। कासल यानी कि महल। ठीक है, क्योंकि इस पूरा राज परिवार है तो महल में ही तो रहेगा, तो उस महल का नाम क्या था, एल्जिनोर कासल, ये महल। अब इस महल में पूरा एक तरीके से राज परिवार रहा करता था, यानी कि रहता है, जैसे कौन, किंग हैमलेट, जो कि मर गया है, डेड है। फिर इसकी क्वीन गर्ट्रूड, फिर इसका भाई क्लॉडियस, इन दोनों का बेटा प्रिंस हैमलेट। ठीक है, यानी कि ये क्लॉडियस कौन हो गया, प्रिंस हैमलेट का चाचा। और पोलोनियस भी यही है महल में, क्योंकि मैंने बताया था वो क्या, एक बिग ऑफिसर है इनके एक कोर्ट का। तो बच्चों हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है, ये जो महल है इसकी सुरक्षा के लिए काफी सारे सिपाही होंगे, वॉचमैन होंगे आज की भाषा में। ठीक है, वॉचमैन कितने, दो। तो ये दो वॉचमैन क्या देखते हैं अचानक से, जो महल की सुरक्षा करते हैं, ये जो महल की दीवार है, ठीक है, यानी कि जो किले की दीवार है, वहाँ इन्हें कुछ दिखाई पड़ता है। ठीक है, इन दोनों वॉचमैन को किले की दीवार के आसपास एक भूत दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एक घोस्ट, जो कि अपने किले की दीवार के आसपास घूम रहा है। ये दोनों इसको देखते हैं और चौंक जाते हैं। फिर ये दोनों क्या करते हैं, होराशियो को बुला कर लाते हैं। ठीक है, तो अभी घोस्ट किसको दिखा है, दो वॉचमैन को दिखा है। इसके बाद ये घोस्ट किसको दिखता है, होराशियो को। मैंने आपको बताया था होराशियो कौन है, एक स्कॉलर है, विद्वान है। होराशियो को दिखता है ये भूत,
तो ये सब मिलकर अंदाजा लगाते हैं कि ये किसका भूत हो सकता है। तो इनको फिर ये भूत को ध्यान से देखते हैं और उसकी भूत की इमेज जब क्लियर होती है तो इन्हें पता चलता है ये किसका भूत है। डैड किंग ऑफ हैमलेट, यानी कि किंग हैमलेट। हाल ही में इनके पुराने राजा किंग हैमलेट की मौत हुई होती है तो ये उसी का भूत होता है क्योंकि उन्हीं की तरह दिखता है, सेम टू सेम, हूबहू। तो होराशियो क्या करता है, इसके बेटे को बुला के ले आता है, यानी कि प्रिंस हैमलेट को, कि मैं राजकुमार को भी दिखाऊंगा कि उनके पापा का भूत, उनके पापा की स्पिरिट यहाँ घूम रही है। प्रिंस हैमलेट आता है, वो भी पहचान जाता है कि हाँ ये तो मेरे पापिताजी का भूत है, ये उनकी स्पिरिट है। तो प्रिंस हैमलेट क्या करता है, ये इनसे मिलने चला जाता है, यहाँ पर ये इनसे मिलता है। तो अभी यहाँ बाप बेटे की मीटिंग हो रही है, ये है बेटा प्रिंस हैमलेट और ये है उसका मरा हुआ पिता किंग हैमलेट, ठीक है। तो ये घोस्ट इससे कहता है कि बेटा तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा, ठीक है, यू हैव टू टेक रिवेंज ऑफ माई मर्डर। मैं एवे ही नहीं मरा था, मेरी मृत्यु मेरी हत्या की गई है, यानी कि मेरा मर्डर किया गया है। और ये भी बताता है कि मेरा मर्डर किसने किया है, क्लॉडियस ने किया है। क्लॉडियस यानी कि मैंने क्या कहा था, विलेन है हमारी स्टोरी का, यानी कि ये प्रिंस हैमलेट का कौन है, चाचा है। और जो जो राजा मरा हुआ है इसका कौन था, बड़ा भाई, ठीक है, घोस्ट का भी भाई है, ठीक है। तो ये इसको अपना मर्डर का सीन पूरा बता देता है कि मेरा इस तरह से मर्डर हुआ था, ठीक है, यानी कि अपने मर्डर से जुड़ी हुई हर एक बारीक जानकारी वो अपने बेटे को बता देता है। और फिर एंड में बोलता है कि तुम्हें क्लॉडियस से बदला लेना है मेरी मौत का, क्योंकि उसने मुझे मारकर मेरा राज्य हड़पा है और मेरी पत्नी से शादी भी की है, क्योंकि जो इसकी बीवी होती है क्वीन गर्ट्रूड, बताया था ना आपको मैंने, क्वीन गर्ट्रूड है एक, वो अपने पति के मरने के बाद क्लॉडियस से शादी कर लेती है। तो अपने बेटे को इसी चीज के लिए प्रिपेयर करने आता है भूत बन के, ताकि वो उसकी मौत का बदला ले सके। तो भाई इस घोस्ट का रोल इतना ही था यहाँ पर। अब ये घोस्ट कभी परेशान नहीं करेगा स्टोरी में, ठीक है, शुरू में आया शुरू में गया, ठीक है। यानी कि अब हमारे ये जो किंग हैमलेट है इनका कोई रोल नहीं है, यानी कि अब पूरी स्टोरी में एंड तक सिर्फ प्रिंस हैमलेट ही अपना किरदार निभाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन इसको देने के बाद जैसे ही सुबह होने वाली होती है तो सारी नेगेटिविटी गायब हो जाती है, भूत प्रेत आत्माएं सब चली जाती हैं, तो वैसे ही सूरज की पहली किरण के साथ इसका भूत भी गायब हो जाता है। तो बच्चों इस पॉइंट पर ये जो प्रिंस हैमलेट है ये डिसाइड तो कर लेता है कि हाँ मैं अपने फादर की मौत का बदला जरूर लूंगा क्लॉडियस से, लेकिन ये इसका नेचर किस टाइप का होता है, ये बहुत ही थॉटफुल पर्सन होता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा सोचने विचारने वाला, और कोई भी एक्शन करने से पहले उस पर 100 बार सोच लेना, ठीक है, ये इस टाइप का पर्सन होता है, वेरी थॉटफुल। तो ये चाहता है कि अपने पिताजी की मौत का बदला लेने से पहले मैं कंफर्म तो कर लूं कि हाँ सच में क्लॉडियस ने ही उनको मारा है या नहीं, ठीक है। तो ये कंफर्म करने के लिए ये क्या करता है, पागल होने का नाटक करता है। ही प्रिटेंडेड टू बी मैड, पागल होने का ही नाटक करता है, बहाना करता है। इसके बाद यानी कि क्लॉडियस और इसकी माँ, किसकी माँ, प्रिंस हैमलेट की माँ यानी कि क्वीन गर्ट्रूड, जो कि अब क्लॉडियस की बीवी है, ये दोनों बड़े टेंशन में आ जाते हैं कि अचानक से ये इसे हो क्या गया है, ये अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहा है। लियो, माई डॉगी इज डिस्टर्बिंग मी। ओके बच्चों, तो ये क्लॉडियस और क्वीन गर्ट्रूड बड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि अचानक से हमारे बेटे को हुआ क्या, यानी कि प्रिंस हैमलेट अचानक से पागल कैसे हो गया और अजीबोगरीब हरकतें कैसे करने लग गया। तो ये दोनों क्या करते हैं, इसके पागलपन का कारण जानने के लिए ये दोनों इसके
वो दोनों दोस्त मैंने आपको लिखवाए थे ना कैरेक्टर्स में, उन दोनों को अपॉइंट कर देते हैं इस पे नजर रखने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये सच में पागल हुआ है या नहीं, या हमें बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, तो बना तो ये इनको बेवकूफ ही रहा होता है। ही इज नॉट मैड बट ही प्रिटेंडेड टू बी मैड। तो उन दोनों दोस्तों का नाम मैंने आपको क्या लिखवाया था, रोजन क्रेंच, क्या स्पेलिंग है, एंड गिल्डन स्टर्न। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों दोस्तों को, हैमलेट के दोस्तों को अपॉइंट कर देते हैं इस पे नजर रखने के लिए और बोलते हैं कि भाई तुम दोनों पता लगाने की कोशिश करो इसके पागलपन का कारण क्या है। Why he is behaving like mad boy? इसके बाद क्या होता है बच्चों, मैंने आपको एक और कैरेक्टर लिखवाया था पोलोनियस नाम का, जो कि इनके कोर्ट का एक बिग ऑफिसर है, चैम्बरलेन है। ठीक है, मैंने आपको कैरेक्टर्स में बताया था इस हैमलेट की एक गर्लफ्रेंड होती है, प्रेमिका होती है, क्या नाम है उसका, ओफेलिया। ठीक है, और ये ओफेलिया कौन है, पोलोनियस की डॉटर यानी कि बेटी है। तो ये पोलोनियस बोलता है शायद तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के प्यार में पागल हो गया है, यानी कि ये जो प्रिंस हैमलेट है मेरी बेटी ओफेलिया इसके प्यार में पागल है, मैड इन हर लव। तो ये क्लॉडियस और क्वीन गर्ट्रूड को तो यही रीजन देता है, बट ये सच नहीं होता, ये आप भी जानते हो। तो ये क्लॉडियस क्या प्लान करता है कि मैं चुपके से प्रिंस हैमलेट और ओफेलिया इन दोनों की बातें सुनूंगा, यानी कि जब ये ओफेलिया से बातें करेगा तो मुझे आइडिया लग ही जाएगा कि ये सच में पागल हुआ है या नहीं। तो क्लॉडियस ठीक वैसा ही करता है, वो चुपके से इनकी कन्वर्सेशन सुनने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस हैमलेट बहुत तेज होता है, ये भी, ये ना इसके झांसे में नहीं आता, ये ओफेलिया से भी उसी तरह बिहेव करता है जैसे एक पागल व्यक्ति किसी और पर्सन से करता हो, यानी कि ओफेलिया से एकदम स्ट्रेंजर बन के पेश आता है, ओके, जिससे कि सबको यकीन हो जाए कि हाँ मैं सच में पागल हो गया हूँ। लेकिन बच्चों, एनालिसिस के लिए एग्जाम में आप खुद ही सोचो, क्या ये इस तरह का बिहेव करके पता लगा पाएगा कि सच में ही क्लॉडियस ने उसके पापा को मारा था। ठीक है, नहीं पता लगा सकेगा आई थिंक वो इस प्लान से। तो ये पॉइंट आप अपनी लैंग्वेज में एनालाइज करके एग्जाम में डाल सकते हो। बाकी इसके बाद ये कैसे पता लगाता है, कैसे कंफर्म करता है क्लॉडियस ने ही मारा है उसके पापा को, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओफेलिया वाला टेस्ट भी फेल हो जाता है और सब लोग मान लेते हैं कि हाँ ये कोई नाटक वाटक नहीं कर रहा है, ये सच में पागल हो चुका है। तो बच्चों, उस सब सीन के बाद क्या होता है, पागल बन के सच पता लगाने का प्लान तो उसका फ्लॉप हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमारा एक प्लान फेल होता है हम दूसरे प्लान को सक्सीड करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही प्रिंस हैमलेट ने भी किया। अचानक से क्या हुआ, एक दिन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स, आपको पता होगा नाटक मंडली के कुछ लोग जो जगह जगह जाकर नाटक को प्ले करते हैं, ठीक है, यानी कि मनोरंजन के लिए अपना नाटक दिखाते हैं। तो ऐसा ही एक नाटक मंडली का ग्रुप कहाँ आया, एल्जिनोर में। एल्जिनोर मैंने आपको बताया था क्या है, कासल है, यानी कि महल का नाम है जहाँ पे वो राज परिवार रहता है। तो ये नाटक मंडली का एक ग्रुप आता है इस महल में, और इस ग्रुप को देखकर ये जो प्रिंस हैमलेट है ना, इसके मन में एक आइडिया आता है सच पता लगाने का, यानी कि कंफर्म करने का कि उसके चाचा ने ही उसके पिता को मारा है या नहीं। तो ये प्लान करता है इस ग्रुप के साथ मिलकर, और इसमें होराशियो भी इसका साथ देता है, ठीक है, जो एक स्कॉलर है और इसका दोस्त भी है साथ में, ये इसका इसमें साथ देता है, और ये जो मंडली है नाटक की, ये लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक मर्डर वाला सीन क्रिएट करता है नाटक मंडली के साथ मिलकर, क्या क्रिएट करता है, मर्डर सीन, कि हम लोग एक ऐसा नाटक खेलेंगे जिसमें एक मर्डर सीन दर्शाया जाएगा,
जैसे कि आप आजकल की फिल्मों में जाते हो, थिएटर में मूवी लगी होती है, उसी टाइप से ये नाटक था। तो वहाँ उस टाइम राज परिवार के लोग बैठ के क्या देखते थे, नाटक, जो कि एक स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। तो ये डिसाइड करता है उस नाटक में, जब वो मर्डर सीन आएगा, मैं उस मर्डर सीन को ठीक उसी तरह क्रिएट करूँगा जिस तरह से मुझे मेरे पिता के स्पिरिट ने, मेरे पिता के भूत ने बताया था कि मुझे इस तरह से मारा गया, तो मैं वही सारा सीन इस नाटक में डालूंगा। और जब वो सीन आएगा नाटक में, ठीक है, क्योंकि सारे लोग बैठे होंगे, यानी कि वो क्लॉडियस जो राजा है इस टाइम डेनमार्क का, वो भी बैठा होगा, अगर उसने उस मर्डर सीन पर रिएक्ट किया तो श्योर है कि उसी ने मेरे पापा को मारा है, ठीक है। और अगर उसने रिएक्ट नहीं किया तो भाई स्टोरी कुछ और ही है। तो ये होता है इसका प्लान सच पता लगाने का। तो बच्चों, अब वही सारा सीन क्रिएट होता है, यानी कि अब नाटक स्टार्ट हो चुका है, सारा प्लान इनका पहले से सेट है। अब यहाँ पे नाटक हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है, सारे कैरेक्टर्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं आराम से, बढ़िया। यहाँ क्लॉडियस बैठा हुआ है, ठीक है, क्वीन गर्ट्रूड भी है, बाकी और अन्य प्रजा भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो इस नाटक में जैसे ही मर्डर वाला सीन आता है, जैसे ही मर्डर वाला सीन हाईलाइट होता है, तो ये क्लॉडियस अचानक से रिएक्ट करता है। ओके, ही रिएक्ट। और ये क्या रिएक्ट करता है, ये चुपचाप वहां से उठता है और इस नाटक मंडली को छोड़ के चले जाता है बाहर, ठीक है। यानी कि मर्डर वाला सीन आते ही इसके हाव भाव उड़ जाते हैं और ये वहां से तुरंत उठता है और बाहर चले जाता है। और बाहर जाकर ये सोचता है ये सारा सीन इस नाटक में कैसे दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये वही सारे सीन थे जिस तरह से मैंने अपने भाई को मारा था। तो फिर क्लॉडियस को पूरा श्योर हो जाता है, पूरा कंफर्म हो जाता है कि भाई ये जो प्रिंस हैमलेट है ना, कहाँ गया ये रहा, ये जो प्रिंस हैमलेट है ये कोई पागल वागल नहीं हुआ है, नाटक कर रहा है और इसको मेरी सारी सच्चाई पता है, ठीक है, इसलिए इसने ये सारे सीन इस नाटक में डाले। तो अब क्लॉडियस जान जाता है कि प्रिंस हैमलेट जान चुका है कि उसके पापा को मैंने ही मारा था। और इधर प्रिंस हैमलेट ये भी श्योर हो जाता है उसका रिएक्शन देखकर कि हाँ इसी ने मेरे पापा को मारा, ठीक है। तो अब ये अपनी तरफ से कंफर्म हो गया, ये भी अपनी तरफ से कंफर्म हो गया। बच्चों, अभी मैं थोड़ा थक गई हूँ, बिकॉज मेरी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, गला भी ख़राब है और ये सब जो इफ़ेक्ट है ना मुझ, और ये सब इम्पैक्ट जो, क्या बोल रही हूँ मैं, और ये सारा इम्पैक्ट ना मुझ पे वैक्सीनेशन की वजह से है। एंड बच्चों, आई वोना वॉर्न यू, दिस वैक्सीनेशन इज़ वेरी हैवी, ठीक है। मुझे 13th of August को वैक्सीन फर्स्ट डोज लगी थी और आज है 20th August, और स्टिल अभी तक मेरा बुखार पूरी तरह से नहीं उतरा है, चढ़ता है उतरता है, बस यही चल रहा है अभी मेरी ज़िंदगी में। तो बच्चों, अब आगे क्या होता है, जब क्लॉडियस वहाँ से उठ के चले जाता है थिएटर से, तो हैमलेट और ये होराशियो, ठीक है, हैमलेट और होराशियो ये दोनों कन्फर्म हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं कि हाँ क्लॉडियस ने ही हमारे पुराने राजा को मर्डर किया है, ठीक है। और ये जो क्लॉडियस होता है ये अपने रूम में चला जाता है और इसे भी मालूम होता है कि हाँ हैमलेट को सारी सच्चाई मालूम पड़ चुकी है। तो हैमलेट क्या करता है, अब गुस्से में, ठीक है, बिल्कुल बौखलाता हुआ क्लॉडियस के रूम की तरफ जाता है, ये इसके रूम की तरफ जाता है, किस लिए, इसे मारने के लिए, तलवार लेके जाता है ताकि वो इसे तुरंत एट अ मोमेंट इसको मार दे। लेकिन जब ये इसके रूम में पहुँचता है तो इसे क्या दिखता है कि क्लॉडियस क्या कर रहा है, पूजा, ठीक है, ये क्या कर रहा होता है उस टाइम, पूजा यानी कि वॉरशिप। तो हैमलेट सोचता है कि अगर मैं इसे पूजा के टाइम मारूंगा, पूजा के टाइम इसका मर्डर करूंगा, क्योंकि ये निहत्ता भी है और एक अच्छा काम कर रहा है यानी कि पूजा कर रहा है, तो हो सकता है इसकी आत्मा स्वर्ग चली जाए, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि इस जैसे इंसान को स्वर्ग मिले। तो वो डिसाइड करता है कि इसकी पूजा खत्म होने तक मैं वेट करूंगा और जब इसकी पूजा खत्म हो जाएगी तब इसको अटैक करूंगा और फिर इसको मारूंगा। और इधर ये पूजा करते करते अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, इसे पता होता है कि हैमलेट किसी भी वक्त बौखलाकर मुझे मार सकता है, उसका पागलपन इतना बढ़ चुका है। तो ये एक ऑर्डर निकालता है अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है, क्या करता है, ये ऑर्डर निकालता है ताकि ये बच सके, अपनी जान बचा सके।
ये अनाउंस कर देता है कि बहुत जल्द अब हमें हैमलेट को इंग्लैंड भेजना होगा। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कि हैमलेट इंग्लैंड जाएगा, हम उसको इंग्लैंड भेज रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसके इंग्लैंड जाने की ये वाली न्यूज़ ये अनाउंस नहीं करता, अपने मन में ही सोच के रख लेता है कि मैं किसी भी मौके से, किसी भी बहाने से हैमलेट को इंग्लैंड भेज दूंगा ताकि मेरी जान यहाँ बची रहे। तो अभी ये बात सिर्फ इसके मन में है, इसने कहीं अनाउंस नहीं की है इंग्लैंड भेजने वाली बात। तो अब क्या होता है, हैमलेट तो कर रहा है वेट कि क्लॉडियस की कब पूजा ख़त्म हो और कब मैं उस पर अटैक करूं। तो अचानक से क्या होता है, ये थोड़ी देर बाद फिर से क्लॉडियस के रूम में जाकर चेक करता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये हैमलेट थोड़ी देर बाद फिर से उसी रूम में जाता है, क्लॉडियस के रूम में। क्लॉडियस का रूम यानी कि उसकी माँ का भी वही रूम है। तो इसको यहाँ क्लॉडियस तो नहीं मिलता। ठीक है, ये क्लॉडियस के रूम में जाता है लेकिन इसको क्लॉडियस नजर नहीं आता। ध्यान देंगे, नजर नहीं आ रहा है। इसको यहाँ पे इसकी माँ मिल जाती है जिसका नाम क्या है, क्वीन गर्ट्रूड। ठीक है, ठीक है, तो क्लॉडियस तो इसको मिलता नहीं है, वो पूजा करके निकल जाता है। क्वीन गर्ट्रूड इसे मिलती है तो ये क्या करता है, अपनी माँ के ही साथ ही बहसबाजी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अपनी माँ से ही बहसबाजी स्टार्ट कर देता है कि तुमने अपने पति के कातिल से शादी की है, तुमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि हैमलेट को ये बात शुरू से ही नहीं पसंद कि उसकी माँ ने उसके चाचा से शादी की, उसको ये बात शुरू से ही नहीं पसंद। तो आज क्या करता है वो, जब उसे पता चलता है कि उसका चाचा ही उसके बाप का कातिल है, तो वो गुस्सा अपनी माँ पे उतार देता है धीरे धीरे करके। ठीक है, यानी कि इनके बीच डायलॉग बाजी स्टार्ट हो जाती है। तो अब रूम में कौन कौन है, ये जो रूम है ना क्लॉडियस का, क्लॉडियस राजा का रूम है, यानी कि रानी का भी रूम वही हुआ। ठीक है, राजा रानी का रूम है ये। तो यहाँ पर हैमलेट और क्वीन गर्ट्रूड, इन दोनों के अलावा एक और व्यक्ति मौजूद होता है जिसका नाम है पोलोनियस। मैंने आपको बताया था ये कौन है, लॉर्ड चैम्बरलेन है, एक बड़ा अधिकारी है इनके कोर्ट का। लेकिन ये पोलोनियस ना छुपा हुआ होता है। ठीक है, छुपा हुआ होता है इन द सेंस कि क्योंकि ये पोलोनियस हैमलेट पे शुरू से ही नजर रख रहा था। मैंने आपको बताया था पोलोनियस ने क्या बोला था कि ये मेरी बेटी के प्यार में पागल हो गया है। और जब ऐसा ये प्रूफ नहीं कर पाया तो फिर इसके पागलपन की वजह जानने के लिए पोलोनियस इसको फॉलो करने लगा। ठीक है, तो पोलोनियस हैमलेट को शुरू से ही फॉलो कर रहा था और हैमलेट को ही फॉलो करते करते वो इस रूम में आ गया और इस रूम में आकर वो छुप गया। लेकिन वो छुपा कहाँ था, एक टेप स्ट्राइ के पीछे। ये होता है टेप स्ट्राइ, इसके पीछे छुपा हुआ था। अब ये टेप स्ट्राइ क्या होता है, ये एक टाइप का कपड़ा है जिस पर चित्र बने हैं। ठीक है, अगर आपने अपनी लाइफ में कभी पेंटिंग जैसा सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है, कपड़ा होता है, कपड़े के ऊपर चित्र बनाया जाता है और उसे ऐसे लटका दिया जाता है। ठीक है, ये एक टाइप की चित्रकारी होती है। तो टेप स्ट्राइ होता है कपड़ा जिस पर चित्र बने हो, यानी कि एक टाइप का पर्दा है, कपड़ा है जिस पर चित्र बना है, उसके पीछे ये छुपा हुआ था। इंग्लिश में बोलते हैं टेप स्ट्राइ। ठीक है, तो अचानक से इन दोनों की बहसबाजी सुन के पोलोनियस से गलती से थोड़ी सी हलचल हो जाती है। अब जब हलचल होगी तो पता चल जाएगा कि भाई कमरे में कोई और भी मौजूद है जो छुपा हुआ है। ठीक है, तो पोलोनियस छुपा हुआ है, हिडन लिख देती हूँ मैं, रूम में टेप स्ट्राइ के पीछे। तो हैमलेट क्या सोचता है, इस पर्दे के पीछे, टेप स्ट्राइ के पीछे क्लॉडियस छुपा हुआ है। ठीक है, क्लॉडियस को समझता है वो। ठीक है, तो क्लॉडियस समझकर वो इस क्या करता है, पोलोनियस को मार देता है। कैसे, वो सीधा इस पर्दे के पास जाता है। सपोज करो ये पर्दा है, ठीक है, यहाँ पे ये खड़ा हुआ है हैमलेट और इसके पीछे पोलोनियस है। अब ये समझ रहा है यहाँ कौन खड़ा है, कौन छुपा हुआ है, क्लॉडियस। लेकिन यहाँ क्लॉडियस तो है ही नहीं, पोलोनियस है। तो ये क्या करता है, सीधा अपनी तलवार निकालता है और इस पर्दे के अंदर से ही उसमें भोंक देता है। ठीक है, यानी कि पर्दा हटाकर भी नहीं देखता वो कि इसके पीछे कौन है, सीधा तलवार निकाली और पर्दे में डाल दी। तो इस तरह से वहाँ पोलोनियस का डेथ हो जाता है और वो मर जाता है। तो अब यहाँ पे पोलोनियस का रोल खत्म और ये क्या है, मर चुका है।
डाई। तो बच्चों अभी आप नोटिस करोगे कि अभी पहला कैरेक्टर है ये जो मरा है स्टोरी में। अब इसके बाद एक एक करके सबकी मौत होगी, तो अभी ध्यान नोट कर लेंगे। पोलोनियस की डेथ सबसे पहले हुई है और इसको किसने मारा है? हैमलेट ने, लेकिन गलती से। उसे पता नहीं है वो पोलोनियस था, उसने क्लॉडियस समझ के उसको मार दिया। तो बच्चों पोलोनियस को मारने के बाद जब ये खबर हर जगह पता चलती है, फैलती है, क्लॉडियस को पता चलती है, यानी कि पूरे राज परिवार में, पूरे उसके डेनमार्क में पता चल जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्राइम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये एक क्राइम, एक अपराध हो गया। और ये अपराध किसने किया है? हैमलेट ने किया है। अब अपराध हुआ है तो इसकी सजा भी मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये क्लॉडियस क्या करता है? अपने मन में इसने पहले से ही सोचा हुआ था कि वो अपनी सेफ्टी के लिए हैमलेट को इंग्लैंड भेज देगा, तो अब वो इसी बात का फायदा उठाता है और हैमलेट को सजा सुनाता है कि हैमलेट को उसके दो दोस्तों के साथ, गिल्डेनस्टर्न और रोजेनक्रेंस्ट, इन दोनों के साथ मैं इंग्लैंड भेजूंगा। ठीक है, यानी कि एक टाइप से वो इसे देश निकाला देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हैमलेट के बाकी के दो फ्रेंड्स और हैं जो मैंने आपको लिखवा रखे थे, रोजेनक्रेंस्ट और गिल्डेनस्टर्न। तो ये तीनों अब जाएंगे कहाँ? इंग्लैंड। हैमलेट तो जा रहा है एज अ पनिशमेंट, अपनी पनिशमेंट भुगतने इंग्लैंड, और ये दोनों इसके दोस्त हैं इसलिए साथ में जा रहे हैं, यानी कि भेजे जा रहे हैं। और इन दोनों फ्रेंड्स को भेजने का भी एक कारण है। क्या इसका रीजन है? इस क्लॉडियस का दिमाग ना बहुत ही शार्प है, बहुत मास्टरमाइंड प्लान है, यानी कि एक तरह से इसको पनिशमेंट तो दे रहा है लेकिन इसके मन में और भी कुछ चल रहा है। ये इंग्लैंड भेजता है हैमलेट को मरवाने के लिए, ठीक है, छुपके से। तो ये क्या करता है? इसके दोस्तों को, ये जो इसके दो दोस्त हैं, इन दोनों को एक ऑर्डर देता है। ऑर्डर देता है यानी कि कैसा ऑर्डर? एक टाइप का लेटर, पत्र देता है और उस पर सील लगा देता है ताकि उसे कोई पढ़ ना सके। यानी कि वो एक सील्ड ऑर्डर इन दोनों के हाथ में देता है ताकि उसको लेटर को ये दोनों भी ना पढ़ सके और भी कोई बाहरी व्यक्ति उसे ना पढ़ सके। इसका मतलब वो उस सील को वही खोल के पढ़ सकता है जिस पर उसका नाम है और जिसके लिए वो संदेश भेजा जा रहा है। तो इसमें, इस लेटर में ये लिख कर भेजता है, ये लेटर लिखता है किसको? इंग्लैंड के राजा को। ठीक है, इंग्लैंड के राजा को, यानी कि इसके दोस्तों को बोलता है कि ये लेटर मैं तुम्हें दे रहा हूँ और ये तुम्हें जाके वहाँ इंग्लैंड के राजा को दे देना है। और इसमें क्या लिखा होता है कि जैसे ही हैमलेट आपके राज्य में आए, आपके इंग्लैंड में आए, तो आप उसको मार दो। ठीक है, चाहे आप उसे छुटके से मारो, चाहे आप उसको घोषणा करवा के मारो, कैसे भी मारो, लेकिन हैमलेट आपके राज्य में आते ही मर जाना चाहिए। तो ये इसका मास्टरमाइंड प्लान है जो लेटर के थ्रू भिजवाता है इंग्लैंड के राजा को। किसके द्वारा? इन दोनों दोस्तों के द्वारा। और ये खबर इन दोनों को भी नहीं पता होती क्योंकि ये सील है, राज्य की सील अगर तोड़ेंगे तो इन्हें भी सजा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे इस सीन पर ये तीनों तो जा चुके हैं इंग्लैंड। ठीक है बच्चों, अब मैंने दोनों कंट्रीज को अलग अलग डिवाइड कर दिया है क्योंकि इंग्लैंड में अब हैमलेट और इसके बाकी दोनों दोस्त पहुंच चुके हैं, यानी कि अब हैमलेट डेनमार्क में उपस्थित नहीं है। अब डेनमार्क में क्या चल रहा है? जो पोलोनियस था जिसको मार दिया गया, जिसकी डेथ हो गई गलती से, जब इसकी मौत की खबर इसकी बेटी को पता चलती है, यानी कि ओफेलिया, कैरेक्टर में लिखवाया था ये कौन है? इसकी डॉटर है, बेटी है। इसको अपने पिता की मौत का गम बैठ जाता है और ये पागल हो जाती है और ये क्या करती है? नदी में छलांग लगा के सुसाइड कर लेती है। ठीक है, ये है रिवर, यहाँ पे इसने लगा दी छलांग और यहाँ हो गया इसका सुसाइड। इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारे स्टोरी में एक और कैरेक्टर मर गया, यानी कि ये दूसरी कैरेक्टर है जो मर गई है, लेकिन इसने क्या किया है? सुसाइड किया है। सो नाउ शी ऑल्सो डाई, ये भी मर गई। और ओफेलिया कौन थी? हैमलेट की प्रेमिका थी। ठीक है,